टिकटॉक से कैसे टक्कर लेगा गूगल का ये नया ऐप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का JNU क्रॉनिकल्स में। इंटरनेट पर टिकटॉक का जोर है, अब गूगल के पास भी इसका तोड़ है। गूगल में एक नया सोशल वीडियो शेयरिंग ऐप टंगी लॉन्च किया है। फिलहाल ये एक्सपेरिमेंटल फेज में है, जिसे गूगल एरिया 120 ने तैयार किया है। टिकटॉक की पॉपुलैरिटी देखते हुए फेसबुक के बाद अब गूगल ने भी इस तरह का एक ऐप लॉन्च किया है। लेकिन ये ऐप टिकटॉक की तरह सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। टंगी की वेबसाइट पर आपको पूरा इंटरफेस मिलता है। सबसे ऊपर यहाँ कैटेगरी दी गई है जिन्हें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ 60 सेकंड तक के ट्यूटोरियल वीडियोस हैं। आप भी इस तरह के वीडियोस बनाकर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आखिर क्या है गूगल का ये टंगी ऐप? टिकटॉक की तरह इस ऐप पर भी यूजर 60 सेकंड तक वीडियो बना सकते हैं। एक बुनियादी फर्क एक है, टिकटॉक का इस्तेमाल एंटरटेनमेंट के लिए होता है, जबकि टंगी को खास एडुकेशन के मकसद से तैयार किया गया है। इसमें वीडियोस के लिए DIY, कुकिंग, लाइफस्टाइल, आर्ट, फैशन और ब्यूटी जैसी अलग अलग कैटेगरी दी गई है। फिलहाल टंगी एप्पल के ऐप स्टोर और वेब पर डाउनलोड के लिए मुफ्त में उपलब्ध है। यूरोपियन यूनियन को छोड़कर दुनिया भर के सभी इलाकों में उपलब्ध है। फिलहाल टंगी एप्पल के ऐप स्टोर और वेब पर डाउनलोड के लिए मुफ्त में उपलब्ध है। यूरोपियन यूनियन को छोड़कर दुनिया भर के सभी इलाकों में उपलब्ध है। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए ये कब तक उपलब्ध होगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी तो सीमित लोग ही इस ऐप पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसके बाद यूजर्स को पहले वेट लिस्ट ज्वाइन करनी पड़ेगी। क्या मतलब है टंगी का? इस ऐप का मतलब है टीच एंड गिव। इस पर ज्यादा के ट्यूटोरियल अपलोड होंगे, शायद इसलिए इसका ये नाम रखा गया है। बताया जा रहा है कि अभी तो टंगी एक्सपेरिमेंट के तौर पर लॉन्च किया गया है। आज के लिए इतना ही, बाकी के खबरों के लिए बने रहिए JNU क्रॉनिकल्स के साथ।